वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की और बात करेंगे शिबा इनू कॉइन की। क्या कुछ शिबा इनू कॉइन का प्राइस चल रहा है और क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं शिबा इनू कॉइन को लेके, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्रिप्टो मार्केट की, और क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन आज भी वही आ चुकी है जहां हम बिटकॉइन को कई बार देख चुके हैं। और ये जो अप्रैल का मंथ रहा है, बिटकॉइन के जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे एक चीज, अगर आपने नोटिस की हो तो 39 to 41, 41 to 39, है ना, 38, 39, 41, 42, इसी प्राइस रेंज में बिटकॉइन आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये प्राइस एक्शन चल रहे हैं। और आज बिटकॉइन फिर से, कल अगर आप देखें $42,000 को भी क्रॉस कर दिया था, आज बिटकॉइन के लेवल अगर आप देखें तो $39,000 पे आ चुके हैं, $39,400 पे ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। और इथीरियम के प्राइस देखें तो $2,900 पे इथीरियम आ चुका है, $3,000, $3,100 ये लेवल इथीरियम के बने हुए हैं, ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हो रहे। और अगर बाइनेंस कॉइन को देखें तो $400 पे ट्रेड कर रहा है। तो क्रिप्टो मार्केट एकदम यहाँ पे स्टेबल नहीं है और सिचुएशन जो है काफी ज्यादा आपको वॉलेटाइल वाली देखने को मिल रही है। और आज मार्केट ओवरऑल देखें तो एक डंप वाला मार्केट हमको देखने को मिल रहा है। $1.92 trillion पे पहुंच गए थे, लेकिन आज फिर से हम $1.88 पे आ चुके हैं। तो ये कुछ फ्लक्चुएशंस, ये कुछ करंट हाल हैं क्रिप्टो मार्केट के, और इसका इम्पैक्ट शिबा इनू पे ही पड़ा है। और शिबा इनू के प्राइस की अगर बात करें तो 18 और 24 की सीरीज पे शिबा इनू ट्रेड कर रहा है और काफी अच्छा डिप के अंदर शिबा इनू आ चुका है। तो अगर आप शिबा इनू में एंट्री लेने की सोच रहे थे या SIP आप करना चाहते हो या SIP ही आप कर रहे हो शिबा इनू में, तो जितना आपको डिप में मिले, एक चीज आप जरूर नोटिस करें, जब भी आप कोई कॉइन खरीद रहे हैं या SIP भी कर रहे हैं, तो जितना आपको डिप में मिले जब मार्केट डाउन हो तभी आप कॉइन को खरीदें। और शिबा इनू चाहे और कॉइन्स हो, चाहे जो भी कॉइन आप खरीदना चाहते हो, तो एक अच्छा मौका यहाँ पे मिल रहा है। और मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब सिचुएशन जो है मार्केट की इस टाइम पे ठीक नहीं है। ये कुछ करंट हाल है क्रिप्टो मार्केट और शिबा इनू के। अब बात कर लेते हैं शिबा इनू की अपडेट्स के बारे में। सबसे पहली अपडेट अगर हम कवर करें तो वो वेल्स को लेकर कवर करेंगे, और कल भी हमने वेल्स की बात की थी कि वेल्स के इशारे आप समझें और वेल्स क्या कह रही हैं। और वेल्स लगातार हर दिन जो है हमको ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहे हैं, और आज फिर एक वेल ने, ब्लू वेल, अब की बारी ब्लू वेल है, और ब्लू वेल, लाइट वेल और इसके अलावा जो बॉम्बर वेल है, ये कुछ दो तीन वेल हैं पिछले आठ दस दिन से यही बाइंग कर रही हैं। लाइट वेल ने भी काफ़ी अच्छे ट्रांजैक्शन किए पिछले, जब रॉबिन हुड की लिस्टिंग हुई, उसके अलावा बॉम्बर वेल ने भी काफ़ी अच्छे ट्रांजैक्शन किए हैं। और ब्लू वेल 0073 ये वाली जो वेल है, आज इसने ट्रांजैक्शन किया 86 बिलियन शिबा इनू कॉइन का और खरीद लिए 86 बिलियन, $2.1 मिलियन के समथिंग इनकी वैल्यू है। तो अगर आप $2.1 मिलियन को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में, आपको समझ आ जाएगा कि वेल्स कितना पैसा लगा रही हैं और ये जो 86 बिलियन कॉइन्स खरीदती है ना, तो इसके लिए कितना पे करना पड़ता है, मतलब कितने पैसे में आते हैं 86 बिलियन। और इतना पैसा अगर वेल्स डाल रही हैं शिबा इनू में, तो इशारा एकदम क्लियर है, सिग्नल एकदम क्लियर है। और बहुत सारी वेल्स ऐसी भी हैं जो साइलेंटली बैग फुल कर रही हैं, और बहुत सारी वेल्स ऐसी भी हैं जो शिबा इनू को बस होल्ड किया हुआ है अपना, उसके उस ऐसे वॉलेट भी हैं जिसमें शिबा इनू को भेजा जा रहा है और वहाँ से कोई शिबा इनू कॉइन सेल नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा है। ये भी कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो आने वाले टाइम में एक सिग्नल देते हैं कि शिबा इनू आने वाले टाइम में बहुत कुछ आपको बड़ा करके दिखा सकता है। इसके अलावा 24 आवर की बर्निंग की हम अपडेट देखें तो 24 आवर के अंदर 287 मिलियन शिबा इनू जो है बर्न हो चुके हैं, और ये काफ़ी अच्छा नंबर है। पिछले अगर हम 24 घंटे में, मतलब जो कल हमने आपको अपडेट दिया था, 1 मिलियन शिबा इनू कॉइन बर्न हुए थे। इसके अलावा अगर हम परसों का भी अपडेट देखें तो 9 मिलियन शिबा इनू बर्न हुए थे। तो अभी फाइनली नंबर जो है थोड़ा सा सुधरा है और यहाँ पे 287 मिलियन शिबा इनू कॉइन बर्न हुए 24 आवर के अंदर। और इस बर्निंग का इम्पैक्ट बर्न रेट पे भी पड़ा है, और 15,000% तक जो है शिबा इनू का बर्न रेट इंक्रीज हो गया। जी हाँ, 15,000% तक इंक्रीज हो गया है। और जब भी एकदम से क्या होता है कि जब बर्निंग हमको कम देखने को मिलती है उसके बाद एकदम से ज़्यादा बर्निंग होती है, तो शिबा इनू का बर्न रेट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और वही चीज़ हमको देखने को मिली। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है शिबा इनू के मेटावर्स को लेके। मेटावर्स का जो ये इवेंट अभी तक चल रहा है, ये अपनी फाइनल स्टेज पे आ चुका है, मतलब पब्लिक सेल यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है जिसका वेट सभी कर रहे थे। अब जिसको भी लैंड खरीदना है, चाहे उसने शिबोशिस को लिया है या नहीं लिया है,
चाहे वो लीश का होल्डर है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको खरीदना है तो हर कोई खरीद सकता है इस पब्लिक सेल के अंदर, और पब्लिक सेल यहाँ पे शिबा इनू के मेटावर्स में इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जैसे ये इवेंट खत्म होगा, ये प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा मेटावर्स का, सारे लैंड ओनर्स बन जाएंगे, क्योंकि अभी तक लैंड ओनर पूरे बने नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3,800 के समथिंग जो है लैंड ओनर बन भी चुके हैं, 7,000 इथीरियम जो है $20 मिलियन शिबा इनू के मेटावर्स में आ चुका है, और सिर्फ एक ओनर ने तो यहाँ पे 200 से ज़्यादा लैंड खरीदे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, और वेल्स ही बड़े बड़े ऐसे ट्रांजेक्शन करती हैं, तो कहीं ना कहीं वेल्स ने ही खरीदे होंगे ये 200 लैंड भी। तो ये कुछ करंट सिचुएशन मेटावर्स की है, जहाँ पे शिबा इनू का जो पब्लिक सेल है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये इवेंट जल्दी एंड इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि शिबेरियम का वेट हो रहा है, और मे की स्टार्टिंग में शिबा इनू आपको फिर से एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाला है। और मे जैसे ही स्टार्ट होगा तो मुझे जहाँ तक लगता है शिबा इनू आपको शिबेरियम की अपडेट देगा या फिर बर्न पोर्टल की। ठीक है, बर्न पोर्टल को पहले रिलीज कर सकते हैं, उसी के साथ साथ शिबेरियम को रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी है, और बर्न पोर्टल बूस्ट करेगा शिबा इनू की बर्निंग। और जहाँ तक इस साल का हम शिबा इनू का रोड मैप देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं मेरे को, बर्न पोर्टल बहुत ज़रूरी लगता है, और बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन रहती है, बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि इसकी सप्लाई इतनी है, इसको बर्न कैसे करेंगे, और बर्न पोर्टल इसलिए लेके आया जा रहा है। तो जब बर्न पोर्टल के जरिए बर्निंग बूस्ट होगी, बर्निंग पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो शिबा इनू के प्राइस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, और शिबा इनू आपको अच्छा करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें शिबेरियम, जो लेयर 2 सॉल्यूशन है, जो ब्लॉकचेन है, वो अपने आप में गेम चेंजर रहेगी शिबा इनू के लिए। तो दोनों ही चीज़ें गेम चेंजर रहेंगी, और मे की स्टार्टिंग में मे में आपको नए नए सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। ये कुछ करंट सिचुएशन चल रही है शिबा इनू की। यहाँ पे कोई भी अपडेट में कमी नहीं है, वेल्स लगातार एक्यूमुलेट कर रही हैं, वेल्स लगातार खरीद रही हैं, प्रोजेक्ट की अगर चीज़ें देखें टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट की सभी चीज़ों को रिलीज किया जा रहा है, डेवलपर काम कर रहे हैं। शिबा इनू पे कोई भी नेगेटिव न्यूज़ या कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, बस एक यहाँ पे जो फैक्टर सबसे बड़ा है वो है मार्केट। मार्केट का मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, और सभी कॉइन्स यहाँ पे डिप के अंदर हैं। सिर्फ आप शिबा इनू को ना देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिबा इनू इतना डाउन है, हमारा भी इतना डाउन है, सबका डाउन है, आपको होल्ड करना पड़ेगा। और अगर आपने कार्डानो भी लिया है 100 से ऊपर, तो कार्डानो भी आज 100 से नीचे है। आपने मैटिक लिया है 200 पे, तो 200 से नीचे मैटिक है, आधा है बिल्कुल। तो बहुत सारे कॉइन्स डिप में हैं, और जो बुल सीजन आप सभी देखना चाहते हो, हम सभी देखना चाहते हैं एक बुल मार्केट, उसके लिए आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। और बुल मार्केट तभी आएगा जब आप इसको कॉइन को होल्ड करके रखेंगे। अगर आज आप जल्दबाजी में सेल कर दोगे, आज आप पैनिक हो रहे हो यहाँ पे कि हमारा पोर्टफोलियो रेड में जा रहा है, तो मैंने आपको पहले ही कहा है क्रिप्टो मार्केट में एक दिन में आप कुछ भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। ठीक है, और जिस तरह की सिचुएशंस इंडिया के अंदर हैं, ट्रेडिंग आप कर नहीं सकते हो, तो लॉन्ग टर्म में ही आप अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो, और होल्ड नहीं करोगे तो वो दिन आप नहीं देख सकते जब क्रिप्टो मार्केट में बुल रन स्टार्ट होगा, जब बुल मार्केट स्टार्ट होगी। क्योंकि अगर आज आप सेलिंग कर दोगे तो वो दिन आप फिर डिजर्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और कॉइन्स को होल्ड पे रखें, जितने भी कॉइन्स हैं छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा SIP करते रहें जो भी आप कॉइन खरीदना चाहते हैं। और एक एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, जितना डिप में आपको कॉइन्स मिलते हैं उतना डिप में आप लें। ठीक है, यही कुछ चीज़ें थी, यही कुछ अपडेट्स थी शिबा इनू को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ट्विटर का लिंक है, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन कोई सवाल है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। किसी भी क्रिप्टो या शिबा इनू में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च कर लें, वो बेहद ज़रूरी होती है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।